ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਅੱਜ 235 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 212 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ इजराइल से आए भारतीय लोग दूसरा जत्था जो है वो बाहर निकल रहा है अब सीधा चलकर उनसे बातचीत करेंगे आपका नाम सर जी मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है आप कहाँ रह रहे थे इजराइल में मैं इजराइल में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रखोश शहर है वहाँ पे रह रहा था सर कैसा माहौल था वहाँ पर माहौल तो जैसा कि पूरे वर्ल्ड को पता है कि माहौल बहुत ही खराब था वहाँ की सिचुएशन एक हफ्ते से आज ही के दिन उन्होंने जो हमास ने ये आतंक फैलाया कि मतलब सब लोग सहम गए थे सब लोग अपने घर में बहुत प्रिकॉशन लेके रह रहे थे और कॉलेज ऑफिस सबका बंद था तो सब लोग अपना घर में ही रह रहे थे जी तो कैसा मतलब साइरेंस वगैरह बज रहे थे जी जी वहाँ पे उन लोगों का सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा है इसराइल का तो हम लोगों को मैं 2 साल से वहाँ पे रह रहा हूँ तो हम लोगों को ये बताया गया था कि अगर जो कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है तो हर बिल्डिंग में अपार्टमेंट में बंकर सेफ हाउस होते हैं तो हम लोगों को बताया गया था कि वहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप सेफ हाउस में जाके 10 मिनट के लिए रहो वहाँ पे जब नॉर्मल हो जाए तब बाहर आ सकते हो डर लग रहा था लेकिन शुरू में ही क्योंकि एक दो बार इस तरह की घटनाएं हुई थी हम लोगों के सामने एक दो रॉकेट उन्होंने फायर करते ही हैं कभी ना कभी तो हम लोगों को पता था कि इस सिचुएशन आने पर हम लोगों को ऐसा करना है तो भारत आके तो भाई अपना घर है तो जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा ही बट पहले भी इस तरह के ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं रूस यूक्रेन वार के टाइम ऑपरेशन गंगा मिशन किया था तो हम लोगों को भी लगा था कि इस तरह का कुछ गवर्नमेंट इस ऐसा ऑपरेशन मिशन जरूर करेगी जिसे भारत जी थैंक यू